राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम ठेकवा में भरोसे का सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राजनांदगांव मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी एवं खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के लिए 355 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत के कुल 1,867 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरोसे के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज भरोसे के सम्मेलन में आप सभी के बीच हम उपस्थित हुए हैं। यहाँ खूब बारिश हो रही है, अन्नदाता बहुत खुश हैं। अब तक 4 भरोसे का सम्मेलन हो चुका है, आज हमारे बीच खड़गे जी पुनः आए हैं। ये मुक्ति बोध की धरती है, हमारे लोक कलाकारों की धरती है, राजनांदगांव संस्कार धानी है, यहाँ से निकले बड़े कलाकारों को मैं नमन करता हूँ। आज भरोसा के सम्मेलन लगातार पहली सरगांव में करें, चरण भैया महाराज साहब चौबे जी हम सब गे रहें, उन्हें बटन चपके रहें, किसान मल्ला पहली किस्त दे रहे हैं साल के। दूसरा सम्मेलन हुई इस भरोसा के बस्तर में, ये मैं प्रियंका जी आयरी से। तीसरा सम्मेलन हमार दुर्ग में हो रही से, वो में सब साथी मन उपस्थित रही से। चौथा सम्मेलन हमर चांपा जांजगीर में खड़गे साहब के उपस्थिति में करा रहे हैं। आज फिर राजनांदगांव आए है, आओ कर हम स्वागत करा था, अभिनंदन करा था, जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। ये धरती मुक्तिबोध के, ये धरती हमर साहित्यकार मन के, ये धरती हमर लोक कलाकार मन के, वो सब सुरता करते हुए प्रणाम करते हुए नांद गांव ऐसे संस्कार धानी के रूप में जाने जाते साहित्यकार और कलाकार मन के, बड़े बड़े कलाकार ये धरती से निकले है, वो सब ल नमन करते हुए, धरती नमन करते हुए अपन बात के शुरुआत में करत। एवं ठगे बूता करते, कभू महिला मन लटक थे, कभू किसान लटक थे, कभू आदिवासी मन लटक थे, जर्सी गाय धू करके गेरवा मन रखे रखे सर गए, लेकिन जर्सी गाय नहीं मिली। लेकिन गायक नाम से मन वोट मांग लेते, लेकिन गौ माता सेवा नहीं करे। हमन 2 रुपया किलो में गोबर खरीद था। अभी कलेक्टर साहब पूरा रिपोर्ट बताई, मुझे बताया कि जरूरत नहीं है। तो आज चाहे वो गौ पालक हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बेरोजगार साथी हो, सब ला पैसा देते हमन। हमन हर 15 दिन में गौपालक मन ला गोबर के पैसा, वर्मी कंपोस्ट पैसा 15 दिन में बटन चपकता तुम्हारे खाता में पैसा जाता। हर महीना में बेरोजगारी भत्ता देता, यदि बटन चपकता बेरोजगार साथी मन के खाता में पैसा जाती। हर 3 महीना में बटन चपकता किसान मन के खाता में पैसा जाते, 24 लाख किसान के खाता में पैसा जाते। यदि बटन चपकता तेंदुपत्ता संग्राहक, लघु उम्र संग्राहक एकर मन के खाता में पैसा जाते। और कहो धोखा से कमल में कहो तुम बटन दबाए, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महातारी। ये संस्कार की भूमि राजनांदगांव की पावन धराओं को मैं प्रणाम करता हूं। मंत व्यासीदास ठाकुर प्यारेलाल सिंह, कुंज बिहारी चौबे, जिले के निर्माता स्वर्गीय किशोरीलाल शुक्ल, स्वतंत्रता सेनानी कन्हैया लाल जी, इन सभी को मैं नमन करता हूं, जो 100 साल के यशस्वी जीवन के बाद कन्हैया लाल जी अपने समय पहले ही दिवंगत हुए थे। ये राज गुरु घसीदास की, शहीद वीर नारायण जी की धरती है और रविशंकर शुक्ला जी जैसे कई है एक दिग्गज नेताओं की ये भूमि है। यहां हमारी पीसीसी बिल्डिंग का उद्घाटन मैं सुना 1939 में
सरदार पटेल ने अपने हाथों से किया था, ये इतिहास है। छत्तीसगढ़ का इतिहास ये बलिदान का इतिहास है, ये भाईचारा और सांप्रदायिक की धरती है और सद्भाव की धरती है। 13 अगस्त 2023 को जानगिरी में भरोसे का सम्मेलन में मैं आया था। अभी आते वक्त उनको पूछा, मिनी माताजी की याद में वहां पर एक मेडिकल कॉलेज खोलने का उन्होंने घोषणा की थी, तो मैंने पूछा वो कब हो रहा है। तब उन्होंने कहा कि और 2 मेडिकल कॉलेज आने वाले हैं, उसी के साथ हम मेडिकल कॉलेज वहां उनके याद में करेंगे, ये भूपेश जी ने मेरे को भरोसा दिया। और आप भी भरोसे पे जी रहे हैं, मैं और हमको जो मिलना था ये हमारे हक के पैसे है, छत्तीसगढ़ के लोगों के पैसे है। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की जमा 19,000 करोड़ रुपए फंसे हैं, वो दे रहे नहीं, और ऊपर से कहते हैं हम सब कुछ जो मिलना है दे रहे हैं, लेकिन 19,000 करोड़ ये नए स्कीम में नहीं मिला अभी छत्तीसगढ़ को। इसके बावजूद भी हमारे कार्यक्रम रुके नहीं, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम रुके नहीं, कांग्रेस सरकार के काम रुके नहीं। भूपेश बघेल और उनके साथी सभी मिलके आगे दौड़ रहे हैं और वो बाकी के लोग पीछे देख रहे हैं। और एक दुख की बात है, मेरे को ये छत्तीसगढ़ बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे लिए, क्योंकि मैं जो चुना गया हूं अध्यक्ष, वो छत्तीसगढ़ के लोगों के आशीर्वाद से और यहीं पर सेशन हुआ, मैं कामयाब हुआ। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी सभी ने मिलके और आप सब लोगों ने मिलके मुझे यहां पर रायपुर में आपने चुना। आज मैं अध्यक्ष जो हूं ये रायपुर के लोगों के वजह से, छत्तीसगढ़ के लोगों के वजह से। लेकिन जब